जैसा कि शादियों का सीज़न चल रहा है और मेरी बहनों को इस तरह का कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिन बहनों का कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है वो चाहती हैं कि हमारे बालों का ये शेड, महोगनी कलर हमारे बालों पर, इस तरह की शेड हम चाहती हैं। तो जब भी आप घर पर रहकर अपने बालों को ये वाली शेड देती हैं तो आपके बिल्कुल भी नहीं आती, चाहे वो लोरियल कलर हो, ओलिविया का हो, इजी का हो, गार्नियर का हो, जिस कलर से भी आप अपने बालों को डाई करेंगे तो आपके ये वाली कलर बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आप कट डाउन करके करेंगे या वॉल्यूम ऐड करके करेंगे फिर आपके ये वाला आता है कलर। तो बहुत सारी मेरी बहनें जिनका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है वो चाहती हैं कि हम ये वाला कलर करें, और बगैर कट डाउन के, बगैर वॉल्यूम के, जो मेरी बहनें घबराती हैं कि वॉल्यूम से हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे, ये वीडियो उनके लिए है। बगैर वॉल्यूम के, बगैर कट डाउन के, आज मैं आपको दो कलरों को मिक्स करके आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह अपने बालों को इस तरह का शेड दे सकते हैं घर पर रहकर। तो आज मैं आपके साथ पॉलर सीक्रेट अपना मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। जितनी क्वांटिटी बताऊंगी उतनी ही आपने ऐड करनी है, ज़्यादा ये काम नहीं करनी। आपके बाल ब्राउन हैं, आपके बाल ग्रे हैं, या आपके बाल वाइट हैं, या आपके बाल ब्लैक हैं, जैसे भी आपके बालों के कलर है आप ये वाली शेड कैसे देंगे। तो सबसे पहले आपने 5.5 लेना है महोगनी ब्राउन कलर, ये वाला। इजी वालों का आपने ये वाला कलर लेना है 5.5, और ओलिविया का आपने 9 नंबर लेना है। ये वाला कलर आपने दोनों ले लेना है, और दोनों को आपने किस तरह करना है। अगर आप चाहती हैं कि हम पहले इसको करें फिर इसको करें, इस तरह आपके बालों पर शेड बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं कि आपने दोनों को कलरों को ले लेना है, और आपने अगर ओलिविया का कलर जो आपने लिया है ना, 9 नंबर आपने लिया है, इसको आपने ट्यूब फुल आपने ऐड की है तो आपने इसका वॉल्यूम भी फुल ऐड करना है, और इजी का आपने हाफ ऐड करना है ट्यूब को, और हाफ ही आपने वॉल्यूम को ऐड करना है। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर आप ओलिविया का हाफ ऐड कर रही हैं ट्यूब और वॉल्यूम हाफ ऐड कर रही हैं तो आपने इजी का हाफ से भी हाफ हिस्सा आपने इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये जो इजी का है ये बहुत सारा लाइट कलर है, महोगनी ब्राउन कलर है, तो इसको आपने थोड़ा सा लाइट शेड आपने इसका लाइट शेड ही रखनी है, और ये आपके बालों पर बहुत ज़्यादा सूट करेगी। तो अगर आपके कलर फेयर है ना तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये वाला कलर। तो बहुत ज़्यादा मेरी बहनें इस तरह का कलर करवाती हैं शादी ब्याह पर, तो उनका मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मेरी बहनें जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं तो जॉबलेस होती हैं, तो वो चाहती हैं कि हमारे बालों की शेड इस तरह की, अगर बालों को कलर किया हो ना तो अपना फेस का कलर बिल्कुल फ्रेश नज़र आता है। तो ये वाला कलर आपने किस तरह करना है, आपने इसी मेथड के हिसाब से आपने ऐड करना है। अगर आपने वॉल्यूम और ट्यूब को फुल ऐड किया है ओलिविया की, तो फिर आपने इजी का हाफ ऐड करना है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जितनी क्वांटिटी आप ऐड करना चाहते हैं उतनी के उसकी हाफ आपने इजी कलर की ऐड करनी है। इसको आपने दोनों को मिक्स कर लेना है, और 40 मिनट आपने अपने बालों पर रखना है। कोई वॉल्यूम में इसमें ऐड नहीं करना, ना ही कट डाउन करने की ज़रूरत है आपको। और इसको आपने 40 मिनट अपने बालों पर रख के, और इसके बाद आपने वॉश कर लेना है। तो ये वाला कलर अब मस्ट बिल्कुल जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आएगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट।